मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर हैं। लोक संचालक समिति की बैठक में कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ भाजपाइयों को यहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का चुनावी मंत्र भी बताएंगे। योगी 4.5 घंटे तक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर के भाजपा जनप्रतिनिधियों से और जिलाध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहकर चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष विजयेंद्र कश्यप ने बताया कि पहले सत्र में चारों जिले के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहेंगे, जबकि दूसरे सत्र में मोर्चा के अध्यक्ष के अलावा विधानसभा प्रभारी आदि मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों सत्रों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कश्यप हमारे साथ जुड़े। विनोद, यहाँ पर आज सीएम योगी का सहारनपुर दौरा है, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूंगा, सीएम योगी खास सहारनपुर हो रहा है। इस वक्त सीएम योगी लोकसभा संचालन समिति की बैठक ले रहे हैं। दूसरा, पहले सत्र की जो बैठक चल रही है उसमें सीएम योगी ने सबसे पहले सब प्रतिनिधियों के मोबाइल नीचे रखवा दिए। अंदर से कोई भी जो बातें हैं, जो गुप्त चुनाव रणनीति चल रही है, बाहर अभी तक उसकी कोई भी जानकारी किसी भी तरीके की नहीं मिल पाई है। दूसरे, अभी तक वो पहले सत्र की जो बैठक है जो समिति की, वो अभी चल रही है। दूसरा, अब से कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में जो अंदाजा लगाया जा रहा, कयास लगाया रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आएंगे और उसके आधे घंटे बाद ही दूसरे सत्र की समिति की बैठक होगी, जिसमें चुनाव की रणनीति दोबारा से तैयार की जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जूरी रिसोर्ट में जाएंगे, वहां पर वे किसानों का अभिनंदन करेंगे और किसानों का अभिनंदन स्वीकार करने के बाद सीधे वे सरसावा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सहारनपुर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा में जेड प्लस की जो सुरक्षा है वो भी मौके पर है और 9-7 एडिशनल एसपी, 150 इंस्पेक्टर और 700 सिपाही और 6 कंपनी पीएससी इस पूरे के पूरे उसमें लगाई गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।